आज हम पढ़ेंगे लेज़र। द वर्ड लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो लेज़र है उसमें फोटॉन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ और बहुत ही प्योर और एक यूनिफॉर्म वेवलेंथ के साथ में इमिट होते हैं, जिनकी इंटेंसिटी हाई होती है और वो हाईली यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं लेज़र बीम एक हाई इंटेंसिटी की मोनोक्रोमेटिक और एक हाईली यूनिडायरेक्शनल लाइट बीम होती है। जो लेज़र का फुल फॉर्म है उसका मीनिंग है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। विकिरणों का उद्दीपित उत्सर्जन या प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना। लेज़र का जो प्रिंसिपल और जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें हम देखेंगे कि इसमें फोटॉन्स जो इमिट होते हैं वो प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा, स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा फोटॉन्स इमिट होते हैं और वो सारे सेम फेज में होते हैं, और इस वजह से जो फोटॉन्स का जो टोटल एनर्जी है वो एम्प्लीफाई हो जाता है और वो लाइट का एम्प्लीफिकेशन होकर हमें हाई इंटेंसिटी की मोनोक्रोमेटिक हाईली यूनिडायरेक्शनल लाइट बीम मिलती है, जिसे कि हम लेज़र कहते हैं। लेज़र को समझने के लिए इसके मेन दो प्रिंसिपल्स होते हैं। द फर्स्ट इज स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरणों का उद्दीपित उत्सर्जन। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन को हिंदी में कहते हैं जनसंख्या प्रतिलोमन। स्टिमुलेटेड इमिशन को समझने से पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में, हमने लिया कि एक हमारे पास फ्री एटम्स का सैंपल है और इसमें से मोस्ट ऑफ द एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट। एक हमने मटेरियल लिया जिसमें हमारे पास कई फ्री एटम्स हैं और ज़्यादातर एटम्स उसमें से ग्राउंड स्टेट ईवन में लाई कर रहे हैं। E2 स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। E2 स्टेट में अगर ईवन स्टेट से कोई एटम एक्साइट होकर E2 स्टेट में पहुंच जाएगा तो वो वहां पर 10^-8 सेकेंड तक रहेगा, उसके बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में लौटेगा। तो हमने कंसीडर किया कि कुछ फ्री एटम्स स्टेट ईवन में लाई कर रहे हैं और हमने बाहर से कोई फोटॉन्स डाला इस मटेरियल के ऊपर, इस सैंपल के ऊपर, और उस फोटॉन की जो एनर्जी है वो है h nu, और इसकी एनर्जी h nu बराबर है E2-E1 के। यानी ये जो दोनों एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, सेम उसी एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटॉन हमने इंसिडेंट किया। तो इस फोटॉन से एनर्जी पाके ये पॉसिबिलिटी है कि ईवन स्टेट, ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए जो एटम है वो एनर्जी पाके एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट E2 में चला जाए। इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इन्होंने, एटम ने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब हमारी पॉसिबिलिटी ये बनी है कि अब एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इस एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है वो 10^-8 सेकेंड तक ही रहता है, उसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट में 10^-8 सेकेंड ही होता है। उसके बाद वो एटम अपने आप ही नेचुरली h nu एनर्जी का फोटोन रिलीज करके, h nu कितना, E2-E1, जितना एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है, डिफरेंस है, उतना ही एनर्जी का फोटोन वो रिलीज करके, h nu इज इक्वल टू E2-E1 एनर्जी का फोटोन वो रिलीज करके नेचुरली अपने आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। इस तरीके का जो इमिशन होगा, इस तरीके का जो उत्सर्जन होगा, ये नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन या स्वतः उत्सर्जन। पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक्साइटेड स्टेट में जो E2 स्टेट में जो फोटॉन बैठा हुआ है उसे स्टिमुलेट करने के लिए हमने बाहर से एक दूसरा फोटॉन डाला h nu, जिसका एनर्जी E2-E1 के ही बराबर है। ये स्टिमुलेटेड फोटॉन इस एक्साइटेड स्टेट E2 में बैठे हुए एटम को ट्रिगर करता है और इसे इंड्यूस करता है, इसे स्टिमुलेट करता है अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंचने के लिए। तो इस एक्सटर्नल फोटोन से स्टिमुलेट होके, ट्रिगर होके E2 स्टेट में बैठा हुआ एक्साइटेड एटम अपनी ग्राउंड स्टेट E1 में पहुंचता है, और जब वो E2 से E1 में आता है तो वो E2 से E1 का जो डिफरेंस है, E2-E1 जो कि h nu के इक्वल है, उस डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटॉन h nu रिलीज करता है। जबकि इंसिडेंट फोटॉन h nu जो स्टिमुलेटिंग फोटॉन था, जो उसको ट्रिगर करने के लिए आया था, वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो फोटॉन्स मिलते हैं। ये स्टिमुलेटिंग फोटॉन है और ये E2 से E1 में जब एटम जंप किया तो इस इमिशन में जो फोटॉन इमिट हुआ
वो फोटोन है एच न्यू। तो स्टिमुलेटेड इमिशन या इंड्यूस्ड इमिशन में हमने देखा कि हमें ये दो फोटोन मिले। ये दोनों फोटोन सेम फेज में होते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो फोटोन इमिट होते हैं, अगर हम कई अलग अलग एटम्स की बात करें तो अलग अलग एटम्स से 10^-8 सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद में जो अलग अलग फोटोन्स इमिट होते हैं, उन सबकी फेज़ अलग अलग होती है, वो सारे सेम फेज़ में नहीं होते हैं। इसलिए उन फोटोन्स का टोटल मिला के एनर्जी और इंटेंसिटी समअप होके इंक्रीज या एम्पलीफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी फेज़ सेम नहीं है। लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन में ये जो इमिटेड फोटोन है, ये इंसिडेंट फोटोन के ही सेम फेज़ में होता है, और स्टिमुलेटेड इमिशन इंड्यूस्ड इमिशन में इमिटेड फोटोन्स की फेज़ सेम होगी, तो हमें हाई इंटेंसिटी की फोटोन्स की बीम मिलती है। तो जैसे कि अभी बताया आपको कि हमारे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन जो कि 10^-8 सेकेंड के बाद अपने आप होता है, और इसमें जो फोटॉन्स इमिटेड होते हैं उनकी कोई डेफिनेट फेज रिलेशनशिप नहीं होती है, और दूसरा हमने देखा स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड इमिशन, प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन। इसमें इमिटेड फोटोन जो है वो सेम फेज में होगा और सेम डायरेक्शन में होगा एज द इंसिडेंट फोटोन, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। तो इस तरह से हमें कई सारे इमिटेड फोटॉन्स मिलते हैं, और इस तरह से हमें बहुत ही इंटेंस और यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक बीम मिलती है फोटॉन्स की, या हमें विजिबल लाइट की बीम मिलती है ड्यू टू कंटिन्यूस स्टिमुलेटेड इमिशन। तो लेज़र लाइट मिलने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है, प्रिंसिपल जो है उसका, वो ये है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड इमिशन हो, प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन हो। अब स्टिमुलेटेड इमिशन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उस मटेरियल में फ्री एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए हैं उनका स्टिमुलेटेड इमिशन हो सके, इसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? तो फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ नीडेड। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन को हिंदी में हम बोलते हैं जनसंख्या प्रतिलोमन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन की कंडीशन तभी पॉसिबल होगी अगर एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में वहाँ पर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन जैसी कंडीशन वहाँ पर क्रिएट कर दें। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? हमें पता है कि जो एक्साइटेड स्टेट है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी एटम है उसमें हमने किसी भी मटेरियल में, एटम का जो सैंपल है उसमें हमने, हम तीन तरह के एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, हम तीन तरीके की एनर्जी स्टेट की बात करते हैं कि हमारे मटेरियल के जो एटम हैं वो इनमें से किसी भी तीन एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एटम ग्राउंड स्टेट में रह सकता है, जो कि उसकी नेचुरल एनर्जी स्टेट है, और यहाँ उसका लाइफ टाइम इन्फिनिटी होता है, वो यहाँ पर इन्फाइनिट टाइम्स तक इजीली रह सकता है क्योंकि ये उसकी नेचुरल स्टेट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं एनर्जी स्टेट जिसमें एटम रह सकता है, वो होती है उसकी एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम यहाँ E3 से इंडिकेट कर रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, किसी भी तरीके से बाहर से ट्रिगर होके स्टिमुलेट होके एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच तो जाता है, लेकिन वो वहाँ हमेशा नहीं रह सकता, वो वहाँ पर 10^-8 सेकेंड लाइफ टाइम तक ही रह सकता है। उसके बाद दूसरी जो एनर्जी स्टेट होती है, जो कि एक तरह से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट ही है, लेकिन उसे हम बोलते हैं मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, जिसमें भी एटम रह सकता है, जिसे हमने यहाँ E2 से इंडिकेट किया है। मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो एक्साइटेड स्टेट से 10^5 टाइम्स ज़्यादा होता है। यहाँ पर एटम का स्टे थोड़ा लॉन्गर होता है, यहाँ पर एटम 10^-3 सेकेंड तक स्टे कर सकता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशंस कैसे अचीव होती है कि जैसे हमने एक इंसिडेंट फोटोन लिया जिसकी एनर्जी H^ है, ठीक है, H^ कितना, जो ग्राउंड स्टेट है E1 और जो एक्साइटेड स्टेट है E3, उसके एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर, E3 - E1 दैट इज़ इक्वल टू H^ इस एनर्जी का, E3 - E1 एनर्जी का एक फोटोन H^ हमने लिया, वो हमने इस सिस्टम पे डाला, मटेरियल जो फ्री एटम्स हैं उन पे डाला, तो जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम बैठे हुए थे वो एनर्जी पाके E3 एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। लेकिन E3 एक्साइटेड स्टेट में एटम हमेशा नहीं रह सकते, 10^-8 सेकेंड टाइम के बाद उनका स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, लेकिन E3 से एटम्स डायरेक्टली E1 में नहीं आ सकते हैं, E3 से डायरेक्टली E1 में नहीं आ सकते हैं, बीच में जो मेटा स्टेबल स्टेट है वहाँ पर उनका इमिशन होगा। तो एटम जो है 10^-8 सेकेंड बाद E3 एक्साइटेड स्टेट से E2 एनर्जी
जो स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट है उसमें जंप करते हैं, लेकिन जो E2 स्टेट है वहाँ पर उनका स्टे लॉन्गर होता है क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पर 10^-3 सेकंड तक वो लाई करेंगे। लेकिन नीचे से क्या हो रहा है, E1 से एटम्स जो हैं वो एक्साइट होकर E3 में पहुँचते जा रहे हैं, E3 से वो 10^-3 सेकंड के बाद में E2 में जंप करते जा रहे हैं, तो E1 नीचे से खाली होता जा रहा है, E3 में ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, E3 में ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहे हैं, E3 से वापस वो E2 में जंप करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, E1 जो एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होते जा रहे हैं और जो E2 एनर्जी स्टेट है मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो मेटास्टेबल स्टेट है E2 एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो गए, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो गए जो लोअर एनर्जी स्टेट है, जो ग्राउंड स्टेट है E1 उससे। तो जब हायर एनर्जी स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट से नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो गए, जो कि नेचुरली बिल्कुल उल्टी बात है, क्योंकि नेचुरली ये होता है कि ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट में एटम्स का नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर एक इन्वर्जन की स्थिति बन गई, एक बिल्कुल उल्टी स्थिति बन गई कि हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गए, पॉपुलेशन हायर स्टेट में ज़्यादा है और लोअर स्टेट में कम है। तो नेचुरली ये एक बिल्कुल अपोजिट फिनोमिना है, इसलिए हमने यहाँ इन्वर्जन वर्ड यूज़ किया है। और पॉपुलेशन का मतलब है कि एटम्स की जो डेंसिटी है, एटम्स का जो नंबर है, एटम्स की जो पॉपुलेशन है, उसके लिए हमने यहाँ वर्ड पॉपुलेशन यूज़ किया है नंबर ऑफ एटम्स के लिए। तो जब एक्साइटेड स्टेट में हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स लोअर स्टेट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जो स्थिति बनती है इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ हमने देखा कि लेज़र का जो फिनोमिना है वो होने के लिए दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है स्टिमुलेटेड इमिशन होना ज़रूरी है, और स्टिमुलेटेड इमिशन के होने के लिए भी जो बेस कंडीशंस होनी चाहिए वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होनी चाहिए। जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तब तक हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।